ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक युवक किसी दार्शनिक के पास गया और पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। और यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, आखिर आदमी क्यों जी रहा है। कोई लक्ष्य होना चाहिए, अगर कोई उद्देश्य नहीं है जीने का तो फिर चेतना का कोई अर्थ ही नहीं होता। मनुष्य चेतनावान प्राणी है, और जहाँ चेतना है वहाँ कोई प्रयोजन सामने आना चाहिए। एक महिला रसोई बनाती है, कोई पूछे कि क्यों बना रही हो तो प्रयोजन बता देगी कि भोजन करने के लिए, या कोई पाहुना आ रहा उसे भोजन कराने के लिए प्रयोजन बता देगी। बिना प्रयोजन रात को 12 बजे रसोई करने बैठ जाए तो समझदार नहीं लोग मानते पागल है। प्रयोजन हो तभी हो। तो जीवन का भी कोई ना कोई प्रयोजन है, लक्ष्य है, कि वह लक्ष्य क्या है यह प्रश्न हर व्यक्ति के मन में उठना चाहिए। दार्शनिक के सामने प्रश्न रखा कि आप मुझे बताएं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। दार्शनिक संत था, फर्क पड़ता है, एक कोरा दार्शनिक होता है और एक दार्शनिक संत होता है, दोनों की विधियां अलग होती है। तो वह संत था, उसने उत्तर नहीं दिया, कमरे में गया, एक मोमबत्ती और एक सुई लेकर आ गया। ये लो जीवन का लक्ष्य। अब संत तो वह जानता था, दार्शनिक जानता था कि इसका तात्पर्य क्या है, किंतु वह तो नहीं जान सका, नहीं समझ सका कि इसका प्रयोजन क्या है। उत्तर कैसे हुआ? दार्शनिक ने कहा, तुमने जो पूछा उसका उत्तर मैंने दे दिया, अब तुम समझने का प्रयत्न करो। आज चले जाओ दोनों को लेकर, और दिन भर रात भर समझने का प्रयत्न करो। समझ में आए तो अच्छी बात है, और न आए तो कल मेरे पास आ जाना। युवक चला गया, प्रयत्न किया पर फिर भी समझ में नहीं आया। दूसरे दिन फिर उपस्थित हुआ और बोला कि आपने मुझे मोमबत्ती दी, एक सुई दी, पर मैं उसका अर्थ नहीं समझ सका, मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे हुआ, समाधान कहाँ है? तो दार्शनिक ने कहा कि जीवन का लक्ष्य है प्रकाश। ये मोमबत्ती किस लिए दी है? तो मोमबत्ती जलती है, प्रकाश करती है, तुम भी जलते रहो और प्रकाश करते रहो। जीवन का लक्ष्य है प्रकाश करना, अज्ञान को मिटाना। अज्ञान तो अंधकार है, अज्ञान को मिटाना, अंधकार को मिटाना, प्रकाश करना। विद्यार्थी किस लिए पढ़ते हैं? तो अज्ञान मिट जाए, जीवन में प्रकाश हो, जानकारी हो और प्रकाश आए, इसलिए सब लोग पढ़ते हैं। अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार और ज्ञान सबसे बड़ा प्रकाश। दार्शनिक ने एक प्रतीक की भाषा में समझा दिया
कि देखो ये मोमबत्ती है, ये जलती है, प्रकाश करती है, तो तुम भी अपने जीवन में ज्वलते रहो, ज्वलित रहो और प्रकाश करते रहो, कभी बुझो मत। तो फिर आपने सुई क्यों दी मुझे? तो दार्शनिक बोला कि तुम्हारे माता पिता है क्या? है। भाई है? है। परिवार में? परिवार में बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं। तुम्हारे पड़ोसी भी है कि पड़ोसी भी है? ये बताओ कि परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? गए तो चलता ही रहता है। परिवार हो, लड़ाई झगड़ा न हो, तो फिर परिवार ही क्या? साथ में रहना हो, 10-20 लोग साथ रहे और मतभेद, विचार भेद, लड़ाई झगड़ा न हो, तो साथ में रहना ही क्या हुआ फिर? ये तो होता है, पड़ोसी से बहुत झगड़ा होता है। अब तुम समझ गए मैंने सुई क्यों दी। सुई का एक बड़ा धर्म है कि दो को एक कर देती है, जोड़ देती है, उसमें जोड़ने का गुण है। तो जीवन का लक्ष्य है कि जो तोड़ना नहीं, जोड़ते रहना। जहां हम अनेक लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग, अनेक संप्रदाय के लोग, अनेक भाषाओं के लोग, अनेक गांवों के लोग रहते हैं, तो सब जुड़ते रहो, जुड़कर रहो, अलग अलग कपड़े के टुकड़े न रहो, जुड़कर एक बड़ा कपड़ा बन जाओ। सुई का काम है जोड़ते रहो, जहां भी कलह हो, झंझट हो, लड़ाई हो, उनको जोड़ दो। हमारे पास कुछ लोग आते हैं कि परिवार में कलह चल रहा है, सब बिखर रहे हैं, कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे हम प्रेम के साथ रह सके। अच्छी भावना अच्छी है, अच्छी है कि सब रहे साथ तो प्रेम के साथ रहे, लड़ते झगड़ते साथ में न रहे, एकात्मक होकर साथ में रहे। सुई उसका प्रतीक है कि हम जोड़ते रहे, जहां भी लगे टूटन हो रही है, फट रहा है, वहां जोड़ दे। जीवन का एक समग्र लक्ष्य आ गया, एक समग्रता आ गई लक्ष्य में। पहली बात है कि अज्ञान के अंधकार को दूर करो, दूसरी बात है कि साथ में रहो तो शांति के साथ रहो, जहां कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो फिर से जोड़ दो, सुई बनकर उसको जोड़ दो। कैंची का काम है काटना, सरल रहो, सुई सरल होती है, कैंची टेढ़ी होती है। एक संस्कृत कवि ने अच्छा लिखा है कि संधत्ते सरला सूची बकरा छेदाय कर्तरी। सुई सरल है, सीधी है, इस वास्ते दो जोड़ देती है, दो को एक कर देती है। कैंची टेढ़ी होती है, जो टेढ़ा होता है वह तोड़ देता है, काट देता है, अलग कर देता है। तो कैंची तो काट देती है, टुकड़ा कर देती है, अलग कर देती है, एक को तोड़ देती है, और सुई अनेक को जोड़ देती है। जीवन का व्यवहार कैंची की भांति नहीं, सुई की भांति होना चाहिए, जो जोड़ सके। अहिंसा का मतलब ही है जोड़ देना। जितना लड़ाई झगड़ा कलह कदाग्रह इनको दूर करना अहिंसा का प्रयोजन है। जो जीवन का प्रयोजन है उसको साधना है अहिंसा। आप अहिंसा को बहुत व्यापक अर्थ में समझने का प्रयत्न करें कि किसी जीव को मारना, हिंसा नहीं मारना, अहिंसा बचाना आदि आदि जो कहा जाता है वह तो एक सामान्य बात है। अहिंसा का मूल मर्म है उपशांत रखना, शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना, शांतिपूर्ण सहवास, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, साथ रहें और शांति के साथ रहें। अकेला रहता है
तो भी अशांति हो जाती है। बहुत बड़ी कला है अहिंसा, एक कला है कि शांति के साथ जीना। और शांति के साथ कोई आदमी कैसे जी सकता है कि जब वह कसाई को शांत करना जानता है, कसाई पर नियंत्रण करना जानता है। अशांति पैदा करने वाले, लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले हैं क्रोध, अहंकार, माया, कपट और लोभ। ये लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाले हैं, अशांति पैदा करने वाले हैं और जुड़े हुए को भी तोड़ने वाले हैं। किंतु उनके स्थान पर अगर हम उपशम की साधना करें, यानी क्रोध भी शांत, अहंकार भी शांत, माया कपट भी शांत और लोभ भी शांत, ये उपशम की साधना। जब उपशम की साधना होती है तो फिर तोड़ने की बात नहीं होती, न कलह होता, न कदाग्रह होता, कुछ भी नहीं होता। अहिंसा का अर्थ है उपशम की साधना। उपशम की साधना करो यानी शांत रहने की साधना करो। बहुत बड़ा मर्म है ये। कोई व्यक्ति कितना पढ़ता है, बहुत गहरा अध्ययन करता है, किंतु लड़ाई झगड़ा भी उतना ही करता है, तो फिर वह पढ़ाई काम नहीं देती। कोई आदमी शास्त्रों का पारायण करता है, खूब स्वाध्याय करता है, 2-4 घंटा स्वाध्याय करता है और दिन भर लड़ाई करता है, स्वाध्याय भी काम नहीं देता। काम देता है उपशम का भाव, उपशम, उपशम की साधना। उपशांत रखे, बाइयां जानती है कि जब दूध में उफान आता है तब पानी का छींटा दे देती है, वो उफान शांत हो जाता है। तो आदमी के दिमाग में भी ये उफान आता रहता है, उफान नहीं आदमी के दिमाग में तो तूफान भी आता रहता है। उसको अगर उपशांत करना न जाने तो फिर यह लड़ाई झगड़ा अशांति होती है। उपशांत कैसे करें, उपशम की साधना कैसे करें, उपशम कर सके, इसके इसी का नाम अहिंसा है। अहिंसा और क्या है कि जो कसाई है उसका उपशम अहिंसा, कसाई की उत्तेजना हिंसा है। हर आदमी को सीखना चाहिए कि शांत कैसे करें, जो उत्तेजना आती है उसको शांत कैसे करें। बड़ा कठिन काम है। उत्तेजना के 3 प्रकार होते हैं, एक उत्तेजना तीव्र होती है, एक मंद होती है और एक मध्य होती है। मंद उत्तेजना का तो बहुत पता नहीं लगता और मध्य का भी थोड़ा पता लगता है। तीव्र उत्तेजना, इतनी तेज उत्तेजना, आदमी जब बोलता है इतना गुस्से में आया कि आंखें लाल हो जाती है, द्रिकुटी तन जाती है, शरीर कांपने लग जाता है, तो समझ लो कि उत्तेजना तीव्र है। और वह तीव्र उत्तेजना ही समस्या पैदा करती है। हमारा प्रयत्न हो कि उत्तेजना कम कैसे हो, कम कैसे हो, क्रोध कम कैसे हो। एक साधु था पर कसाई शांत नहीं था। यह नियम नहीं है कि साधु का कसाई शांत होता है। कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं बहुत शांति से जीते हैं, कुछ साधु लड़ाइयां भी कर लेते हैं। शांत नहीं था। गुरु के पास गया और जाकर बोला कि मैं तपस्या करता हूं, तपस्या को पूरा करना चाहता हूं, क्या करूं मैं। गुरु ने कहा पतली पाड़, पतली पाड़, और तपस्या शुरू कर दी। फिर आया, अब मैं क्या करूं। गुरु ने कहा पतली पाड़, फिर तपस्या शुरू बढ़ा दिया। 2-3 बार कहा पतली पहाड़,
तपस्या करता गया, शरीर कांटा हो गया सूख कर। फिर गुरु के पास आया कि गुरुदेव अब क्या करूं। गुरु ने वही कहा पतली पाड़, तो अंगुली को हाथ में लिया, एक झटके में तोड़ दी, क्या इतना तो हो गया और क्या पतली करूं। गुरु ने कहा यही तो मोटी हो रही है ना, शरीर का तो तुमने पतला कर दिया पर तुम्हारा आवेश तो और मोटा बन रहा है, मोटा ज्यादा ताजा बन रहा है, इसी से तुमने अंगुली को तोड़ दिया। मैंने यह कब कहा तू शरीर को पतला कर, मैंने तो कहा था तू उत्तेजना को पतला कर, उत्तेजना को कम कर। जब तक उत्तेजना कम नहीं होती वह आदमी थोड़ी बात में ही गुस्से में आ जाता है। एक कोई व्यक्ति के उत्तेजना बहुत आती और मानसिक चिकित्सक से जांच कराई गई, जांच के बाद उसकी रिपोर्ट आई तो देखा उसमें है कि इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, इंपल्स पर कंट्रोल नहीं है इसीलिए सारी गड़बड़ियां हो रही है। यह समस्या पता नहीं कितने लोगों में मिलेगी कि अपने भावों पर संवेगों पर कंट्रोल नहीं करना जानते, यह इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर की बीमारी से कितने लोग ग्रस्त हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर सकते इसीलिए समस्या हो रही है। आप अहिंसा को समझना चाहें या धर्म को समझना चाहें तो सबसे पहला पाठ ये पढ़ें कि अपने संवेगों पर कंट्रोल कैसे कर सकें, अपने आवेशों पर कंट्रोल कैसे कर सकें, यह पहला पाठ धर्म का समझना चाहिए। जो व्यक्ति कसाय को शांत करना नहीं जानता, अपने आवेशों की और तीव्र उत्तेजना को शांत करना नहीं जानता, वह धर्म कैसे करेगा। होता है कि धर्म के नाम पर अधर्म कर लेता है, अहिंसा की बात भुला देता है, हिंसा में चला जाता है। ये जितने सांप्रदायिक झगड़े होते हैं कौन करते हैं, धर्म को मानने वाले लोग ही करते हैं, धार्मिक हैं, अपने आप को धार्मिक मानते हैं और धर्म की साधना भी करते हैं और वही लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसका मतलब कि उन्होंने अहिंसा को धर्म को समझने का प्रयत्न नहीं किया, अहिंसा के स्वरूप को समझने का प्रयत्न नहीं किया कि अहिंसा क्या है, धर्म क्या है। सबसे पहला लक्षण है कसाय को शांत करना, क्रोध मान माया लोभ के वेग को शांत करना, वे नहीं करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी क्रियाएं करते हैं धर्म की, बहुत सार कम मिलता है। बिलोना शुरू किया, दो घंटा बिलोता रहा, आखिर मक्खन नहीं निकला, बात क्या है। तो माँ आई, देखा, अरे क्या कर रहा है, कि आपने कहा था बिलोना कर लो, बिलोना कर रहा हूं। मूर्ख समझा नहीं, तो दही का माटा पड़ा था उसमें तो झेरनी नहीं चली, तुम्हारा मथानी उसमें नहीं चली, पानी का माटा पड़ा था उसमें झेरनी चलती रही। अब दो घंटा तक झेरनी चलती रही, मथानी घुमाता रहा, दो घंटा बाद क्या निकला, क्या निकला, कुछ भी नहीं मिला। मक्खन निकालने को जल ना मथो, मक्खन निकालना तो पानी को मत मथो, पानी मथने से कैसे निकलेगा। तो अगर धर्म करना है और अहिंसा को समझना है, अहिंसा धर्म का पालन करना है, तो पानी में मथानी मत चलाओ, दही के माटे में मथानी चलाओ। यानी कसाय है, कसाई की जो उत्तेजना है, आवेश है, उसे शांत करने की साधना करो कि क्रोध कैसे कम हो, अहंकार कैसे कम हो, माया कपट कैसे कम हो, सरलता कैसे बढ़े, लोभ का वेग कैसे कम हो। बहुत सारी समस्याएं लोभ का वेग करता है, इतना लोभ का वेग है, सोचता है कि बस आकाश को भी भर लूं अपने घर में,
आकाश को भी तोड़ लो, मतलब ऐसा एक आवेश होता है, तीव्रता होती है। यह जब तक तीव्रता समाप्त नहीं होती तब तक धर्म की साधना नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ा चिंतन करें, जीवन के लक्ष्य को समझने का प्रयत्न करें। जो दार्शनिक ने उत्तर दिया इतना सही उत्तर था कि प्रकाश करो, अंधकार को मिटाओ। जीवन का पहला लक्ष्य है अंधकार को मिटाओ, जलते रहो, प्रकाशी रहो। और दूसरा उसका एक अनुसंग यह है कि जोड़ते रहो, दो को एक करते रहो, न कि एक को दो करो, जोड़ते रहो। कौन जोड़ सकता है? इस पर हम विचार करें कि वही व्यक्ति जोड़ सकता है जिसमें अहिंसा की चेतना जागृत है। अंधकार मिटता है विद्या के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। ज्ञान का काम है अंधकार को दूर करना, प्रकाश को भर देना, यह है ज्ञान का काम है। जोड़ना है चरित्र का काम, आचरण का काम। ठीक कहा है महावीर की वाणी में, आहं सुविद्या चरणम प्रमोक्षम। मोक्ष व्यवहार की भाषा में कहा तो समस्या को सुलझाना। समस्या को सुलझाने के या मोक्ष के दो साधन है, विद्या और आचरण, दोनों चाहिए। कोरी विद्या भी काम नहीं देती, कोरा आचरण भी काम नहीं देता। कोरा आचरण है और अंधकार है तो वह आचरण ठीक नहीं होगा, सम्यक नहीं होगा। और कोरी विद्या है और आचरण नहीं है तो पूरा प्रकाश नहीं होगा। इसलिए दोनों पर विचार करें कि विद्या का विकास और साथ में चरित्र का विकास, सदाचार का, नैतिकता का विकास, यह अहिंसा की दिशा में हमारा प्रस्थान होता है। आदमी अहिंसा की दिशा में तभी जा सकता है जब वह विद्या का अध्ययन भी करता है और साथ में चरित्र का विकास भी करता है। दोनों नहीं है वह शिक्षा भी अधूरी है, है जहाँ दोनों नहीं है वह धर्म भी अधूरा है। धार्मिक लोग चरित्र का विकास तो करना चाहते हैं पर ज्ञान करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, अज्ञान मिटाना नहीं चाहते, स्वाध्याय करना नहीं चाहते, तो वे भी कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान के बिना चरित्र का विकास नहीं, चरित्र के विकास के बिना ज्ञान का भी और विकास नहीं, अधिक विकास नहीं। इसलिए ज्ञान और चरित्र दोनों समस्या को सुलझाने वाले, दोनों बंधन से मुक्ति दिलाने वाले हैं। इसलिए जीवन का लक्ष्य है ज्ञान का विकास और साथ साथ चरित्र का विकास। ओम अर्हं। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं-21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन, कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञवांग्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना महासवर महाप्रज्ञ गुरु वै अर्घ्य आस्थाकार
श्री महाप्रज्ञ गुरुवे।